बात करते हैं जबलपुर के, जहां लॉर्डगंज में देर रात हुई हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है कि मृतक शैलेंद्र रैकवार आरोपी की मां से बातचीत करता था, जिसको लेकर सीवी ने शैलेंद्र को कई बार मना भी किया था। दोनों के बीच इसको लेकर कुछ दिनों से आपसी मनमुटाव भी चल रहा था। शुक्रवार की रात आरोपी सीवी शैलेंद्र के पास पहुंचा और अपनी मां से बात करने से मना किया। इस बीच दोनों के बीच गाली गलौज हुई तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ऐसा कहते हुए सीवी ने अपने पास रखा चाकू निकाला और शैलेंद्र रैकवार के सीने में चाकू से हमला कर दिया था। मृतक शैलेंद्र और सीवी में अच्छी दोस्ती भी थी, अक्सर दोनों साथ में ही रहा करते थे। पर जब सीवी को पता चला कि शैलेंद्र उसकी मां से अक्सर बात करता है, तो उसने आपत्ति करते हुए उसे अपनी मां से बात करने को मना किया। पर शैलेंद्र ने सीवी की चेतावनी को दरकिनार करते हुए बात करना जारी रखा। इसी के चलते आवेश में आकर सिविल ने शैलेंद्र पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। परिजन उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। जानकारी के मुताबिक पड़ोस में शैलेंद्र और सिविल की मां को लेकर कई तरह की चर्चा भी होने लगी थी। यही कारण था कि आरोपी बार बार मृतक को समझाइश देता रहा, पर जब शैलेंद्र नहीं माना तो उसने चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी सीवी पर लॉर्डगंज थाना पुलिस ने धारा 294 302 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुड़ा के निर्देश पर सीएसपी के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। उसका दोस्त था गोलू का, सीवी नाम है। बाद बाद में लड़ गए हैं और एकदम दोनों ने चक्कू मार दी बेटे को, ऐसा मारा कि हमारा बेटा बचा नहीं। आज उसकी बेटी 6 महीने की है, पेट में 5 महीने का बच्चा है बहू के। बताइए हम क्या करें, हमारे बेटे को नहीं साबित करें।